हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग वोकैब के बारे में सीखेंगे कि कुछ बेहतरीन जो रूट वर्ड्स होते हैं आपके एग्जाम में, आप लोग परेशान होते हैं कि रूट वर्ड से कैसे पार पाया जाए, कैसे आसानी से किसी वोकैब को याद कर लिया जाए, खास करके इतने बेहतरीन बेहतरीन वर्ड जो आपके रूट वर्ड पे बेस्ड होते हैं, तो उनको आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिया हुआ है आज के सेशन के लिए, फॉर। फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए, जैसे पूर्वानुमान के सेंस में, पहले के सेंस में, या कोई चीज सामने है, बहुत पहले हो चुकी है, इस सेंस में हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। जहां पे भी ये वर्ड आपका यूज किया जाएगा उसकी मीनिंग यही निकलेगी, आगे, पहले या फिर सामने। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि ये सारे वर्ड्स हैं क्या, इनकी मीनिंग क्या होती है, सेंटेंस में यूज कैसे होता है। ये है पहला वर्ड आपका दिया गया है, फोर आर्म। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब दोस्तों होता है द पार्ट बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट, ऐसा पार्ट जो एल्बो और रिस्ट के बीच में होता है। भाई एल्बो होता है कोहनी, रिस्ट मतलब होता है कलाई, दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? फोर आर्म कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहें बांह का निचला हिस्सा कह सकते हो। ओके, सेंटेंस दिया गया ही वॉज वुंडेड इन द लेफ्ट शोल्डर एंड फोर आर्म, मतलब उसका लेफ्ट शोल्डर बाया कंधा और जो फोर आर्म मतलब जो आगे का हाथ है वो क्या हो गया? वुंडेड मतलब घायल हो गया। ओके, फोर आर्म का मतलब होता है बांह का निचला हिस्सा, मतलब आगे का हिस्सा। अगला वर्ड है दिया गया है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान। इसका मतलब होता है प्रिडिक्शन अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में जो है प्रिडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना। सेंटेंस गिवन है इसके लिए, बढ़िया सेंटेंस है, डिड यू सी द वेदर फोरकास्ट लास्ट नाइट, क्या आपने कल मौसम का पूर्वानुमान देखा? तो फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ पर यह है कि फोरकास्ट का जो तीनों फॉर्म होता है वो एक जैसा होता है, फोरकास्ट, 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 ठीक है, केवल फोरकास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फोरकास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। यहाँ देखिए इज के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, तो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ये मत सोचिए फोरकास्टेड होगा, फोरकास्ट ही आपकी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वर्ड आया है बहुत बेहतरीन, फोरटेल। तो फोरटेल का मतलब होता है मे का प्रिडिक्शन, किसी के भविष्य, किसी के बारे में भविष्यवाणी करना, फोरटेल, किसी का भविष्य बता देना, पहले से कह देना। तो मे का प्रिडिक्शन पहले से कह देना, एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू फोर टेल द फ्यूचर, मैं फ्यूचर बताने जा रहा हूँ, तो फोर टेल। भाई फोर टेल का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की अगर बात की जाए तो ये एक वर्ब है, फोर टेल। जैसे टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है, थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, वैसे फोर टेल का भी सेकेंड फॉर्म फोर टोल्ड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी फोर टोल्ड हो जाएगा। तो ये मतलब होता है यहाँ पे फोर टेल का। अगला वर्ड है फोर हैंड। दोस्तों ये आपका एक नाउन के जैसे काम करता है, फोर हैंड, और इसका मतलब क्या होता है? एनी स्ट्रोक मेड ऑन द रैकेट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब जिस हाथ में आपने रैकेट पकड़ा हुआ है, टेनिस वगैरह लोग खेलते हैं तो जिस हाथ में उन्होंने रैकेट पकड़ा हुआ है उसी साइड से बॉल को हिट करना, मतलब आपने अगर जो है राइट हैंड साइड में रैकेट पकड़ा हुआ है तो राइट हैंड साइड की तरफ से ही बॉल को मारना, दैट इज कॉल्ड फोर हैंड शॉट बोलते हैं उसको टेनिस की लैंग्वेज में। तो यहाँ सेंटेंस है ही प्लेड अ डिफिकल्ट फोर हैंड एंड इट बेंट इन टू द नेट, उसने बड़ी मुश्किल से फोर हैंड शॉट खेला और बॉल जा करके नेट में लग गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला वर्ड है फोर हेड। दोस्तों फोर हेड, हेड का मतलब होता है सर, और फोर हेड का मतलब आगे वाला सर, और आगे वाले सर को मतलब हम क्या बोलते हैं हिंदी में? माथा बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द फेस अबव द आईज, आंख के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम माथा कहते हैं, फोर हेड कहते हैं। सी वाइप्ड हिज फॉरहेड लविंगली, उसने बहुत ही प्यार से उसका जो है फॉरहेड जो है साफ किया, उसका जो है पसीना पोंछा या उसके माथे पे जो है अपना हाथ फेरा। तो सी वाइप्ड हिज फॉरहेड लविंगली, उसने प्यार से उसके माथे पे हाथ फेरा। नेक्स्ट वर्ड है फोर मैन। दोस्तों ये भी एक नाउन होता है और मैन वर्ड है, इसका मतलब किसी आदमी की बात करें। फोर मैन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऐसा आदमी जो अग्रणी होता है, जो लीडर टाइप का होता है। द पर्सन हु एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर वर्कर्स, एक ऐसा पर्सन जो वर्कर्स पे कंट्रोल रखता है, मतलब उनका नेता होता है, एक तरीके से उनका ठेकेदार होता है। यू विल नीड टू स्पीक टू द फोरमैन, तुम्हें जो है फोरमैन से बात करने की जरूरत पड़ेगी। इफ यू वॉन्ट टू टेक टाइम ऑफ, अगर तुम छुट्टी लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने फोरमैन से बात करनी पड़ेगी। फोरमैन का मतलब एक तरीके से ठेकेदार होता है, वर्कर्स का जो नेता होता है उसे कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों फॉरगो। इसका मतलब क्या होता है? गो विदाउट, इसका मतलब होता है एक तरीके से चले जाना, छोड़ देना, एक तरीके से आप कह सकते हो गिव अप कर देना, इसका मतलब होता है एक तरीके से गिव अप कर देना।
त्याग देना किसी चीज को। आई डिसाइडेड टू फॉरगो अननेसेसरी शॉपिंग, मैंने अननेसेसरी शॉपिंग करने के बारे में छोड़ दिया, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अननेसेसरी शॉपिंग जो है छोड़ दूंगा दिस समर, इस समर में। सो आई कुड सेव अप मोर मनी, जिससे कि मैं कुछ ज्यादा मनी बचा सकूं। और ये रहा लास्ट वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड दोस्तों, इसमें मैंने बेहतरीन वर्ड आपके सामने रखे हैं जो आपके काम आ सके, और आसान भी वर्ड थे लेकिन नहीं, मैंने बेहतरीन वर्ड आपके लिए लाए हैं। फोर फादर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पिताजी के पहले के जो लोग थे, आपके पिताजी के पहले मतलब जिनको आप पूर्वज कहते हो, तो फोर फादर मतलब पिताजी के पहले भी जो लोग थे आपके, तो फोर फादर मतलब पूर्वज जिसको कहते हैं। अ मेंबर ऑफ द पास्ट जनरेशन मतलब आपके पहले के जो जनरेशन के लोग थे, ऑफ वंस फैमिली किसी फैमिली के और पीपल या फिर लोग, या जिनको आप एंसेस्टर कह सकते हो, पूर्वज कह सकते हो। आवर फोर फादर्स फॉट एंड डाइड डिफेंडिंग आवर ग्रेट कंट्री, हमारे महान देश की रक्षा करते हुए हमारे जो फोर फादर्स हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही बहादुरी से लड़े। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करके हमको बताइएगा। ऐसे ही रूट वर्ड्स और बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम के जो वोकैब्स हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।